अब सोलन वासियों को शहर में परोसे जा रहे व्यंजन साफ सुथरे हाथों से परोसे जाएंगे। उन्हें अब बीमार होने का डर नहीं सताएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की सख्ती के बाद स्ट्रीट फूड वेंडरों ने आखिरकार ग्लव्स और टोपी और एप्रन पहनने आरंभ कर दिए हैं। पहले सोलन के स्ट्रीट फूड वेंडर किसी भी तरह से नियमों का पालन नहीं करते थे, लेकिन जब हमारे द्वारा इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया और स्वास्थ्य विभाग ने एलडी ठाकुर की अगुवाई में सख्ती दिखाई, तो स्ट्रीट फूड वेंडरों को अंत में उनकी बात माननी ही पड़ी। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ढाबों और मिठाई की दुकानों में भी ये व्यवस्था बनाई जाएगी। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए स्वास्थ्य सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने स्ट्रीट फूड वेंडरों को कई बार जागरूक किया और उन्हें बताया गया कि अगर वे सोलन शहर में व्यंजन बेचना चाहते हैं तो उन्हें नियमों की पालना करनी पड़ेगी और उन्हें टोपी, ग्लव्स और एप्रन पहनना आवश्यक होगा, जिसके चलते अब कुछ वेंडर जागरूक हुए हैं और उन्होंने नियमों की पालना आरंभ कर दी है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही और वेंडर भी उनसे सीखेंगे और व्यंजन बेचते हुए जाने अनजाने में ग्राहकों को बीमारियां नहीं परोसेंगे। जल्द ही वह विभाग उनका पंजीकरण करेगा। और आज हमने सवारी शाम देखा तो वो अब एप्रन और ग्लव्स लगा लिए, उन्होंने लगा के रखे हुए हैं, डस्टबिन खरीद लिए हैं। और जो उनको खास तौर से हिदायत दी थी कि वो अखबार न्यूज़पेपर में कोई चीज़ नहीं देंगे जो कि कार्सोजेनिक होता है, तो वो भी उन्होंने हटा लिए और डिस्पोजेबल में सर्व कर रहे हैं। तो लगता है एक दो दिन में वो जो भी कमियां रह गई हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। को आज एक दिन का टाइम दिया था कि वो एप्रन खरीद लें, तो जैसे कोई इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने सब ने एप्रन खरीद लिए हैं। और पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, और एक दो दिन में वो अपना मेडिकल करा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद जो और भी स्ट्रीट फूड वेंडर है उनको भी मोटिवेट करेंगे कि वो भी इसी तरह से साफ सफाई से अपना फूड आर्टिकल बेचेंगे। एक और चलान हमने आज लक्कड़ बाज़ार में किया, तो इस तरह से जितनी भी दुकानें जो लोगों को प्रिपेयर्ड फूड बेचते हैं वो मैंडेटरी करेंगे कि वो फर्स्ट एक में ट्रेंड हो और लोगों को सेफ फूड मिले। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।